सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बिग बॉस के घर में, तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिख रही थी घर की, ऑल्सो आपने तभी पास्ट के बारे में बात करना मंजूर नहीं किया कि आपको नहीं बात करनी है, बट वही आप बिग बॉस के घर में आपकी पास्ट को रिकॉल कर रही थी, तो क्या कहना चाहोगे आप? शायद दो तीन जो यहाँ पे आप लोग से पहले पर्सनल वन टू वन इंटरव्यूज हुए, वहाँ पे मैंने पास्ट में बात करने के रीजंस दिखाए। बिग बॉस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बात करना वो एक कॉन्शियस डिसीजन था कि मुझे नहीं बात करनी थी। वो सडन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमको पता ही नहीं था कि मुझे खुद को नहीं बताया गया था। जैसे आप लोग ने बोल देखा होगा, मैं नाइट्रेस में ही आ गई थी विदाउट गेटिंग रेडी, और घर के अंदर पास्ट में एक 6 हफ्ता 1.5 महीना कोई इंसान रहता है 17 लोगों के साथ में, हर कोई अपनी पास्ट की बातें शेयर करता है। सो इट वॉज मोर ऑन लाइन्स ऑफ शेयरिंग। अगर मुझे कोई रिंकू जी पूछ रही है कि क्या हुआ, नील पूछ रहा है मुझे क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये एक स्टोरी और मेरे लाइफ लेसन्स एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मुद्दा था। इट वॉज नथिंग टू अदर देन दैट। जितना जी आपको लगता है कि आपको सब लोगों ने मिलकर कुछ लोगों ने मिलकर टारगेट किया है घर में, या फिर जहाँ जहाँ पे आपको वोकल होना चाहिए था वहाँ पे आपने इतना स्ट्रॉन्गली अपना पॉइंट्स रखा नहीं, इसलिए आज आप बाहर हैं, दोनों में से आपको क्या लगता है? मैंने मेरे पॉइंट्स तो जहाँ मुझे रखने चाहिए थे मैंने बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रांगली रखे हैं। हाँ, मैंने दूसरों लोग के जैसे चिल्ला के नहीं रखे, मैंने झगड़े नहीं किए, कॉफ़ी के लिए झगड़ा चोरी नहीं किया, पराठे नहीं चोरी किया, शायद सबको वही पसंद है, उसी में TRP मिलती है, तो हाँ मैंने वो नहीं किया। बट जहाँ पे मुद्दे थे जेन्यून, जैसे मनारा और खानजादी के बीच में झगड़ा हुआ था, तब मैंने खानजादी के साथ मेरे कितने भी डिफरेंसेस रहे हो मैंने खानजादी की साइड ली थी। कितना बार दिखाया गया है वो मुझे नहीं मालूम। जहां मनारा गलत थी मैंने मनारा की साइड नहीं ली। तो वैसे काफी मुद्दे थे जहां अभिषेक ने ट्रिप किया अपना एंगर, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प किया मैंने और रिंकू जी ने। और जो जो मुद्दे लगे कि ये जेन्यून है और घर को, बिग बॉस घर को इफेक्ट हो रहे हैं, वहां पे मैं खड़ी रही थी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब ग्रेस पीरियड में आपका नाम लिया गया बहुत हर्ट हुई, स्पेशली अरुण से, और सबसे ज़्यादा आप ये कहते हुए नज़र आए कि आपने उनके अंडरवेयर धोए हैं उसके बाद भी उन्होंने ऐसा किया है, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या सही था वो करना, मेरा करना या अरुण का करना? अरुण का भी करना और आपका उनके लिए ये सब करना। एक घंटे के एपिसोड में या 24 आवर्स में आप लोग 24 घंटा तो एपिसोड देखते नहीं होंगे मेरे हिसाब से। एक चेन बनती है, मेरे को बुरा नावेद के लिए लगा था, जो मैंने स्पेसिफाई किया था किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हुए कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट नावेद। मैंने देखा भी होगा कि मैंने सेल्फ नॉमिनेट किया था उस टाइम पे और नावेद को सेव किया था मैंने। सो नावेद के लिए सबको बुरा लगा था क्योंकि वो हमारे हिसाब से वो प्रोग्रेस कर रहा था, उसमें इवॉल्व बहुत आगे बढ़ गया था वो कंपैरेटिवली बाकी लोग थे जो ग्रेस पीरियड में आना उनका जस्टिफाई हो सकता था। वो कंटेस्ट में मैंने बोला मैं अपसेट हुई थी और मुझे ऐसा गिल्ट फील था कहीं ना कहीं नावेद को लेके, जो मैंने उस दिन रात को भी क्लेरिफाई किया था। और जहाँ तक अरुण के क्लोथ्स जो धोने की बात थी, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन लिया जा रहा है, मैंने कभी भी उसको एक आहा लग गया था। मनस्वी जिस दिन जा रही थी उसके बाद वो एक साइड मनस्वी का टनल से बाहर निकलने का था, और अभिषेक तहलका जी और अरुण दोनों में तीनों में फाइट हुई थी, और अरुण ने अपना हाथ खुद ही फ्लोर पे गार्डन में वो किया था, तो उसको पूरा सूज गया था, उसको हमको सबको लगा ही था कि उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर था जो 10 दिन तक चला। तो मेरी जो मैं ऐसी ही हूँ, मैं किसी को ना नहीं बोल सकती हूँ, तो वही गुड फेथ में मैंने बोला था अरुण जी कोई बात नहीं मैं आपको धो देती हूँ कपड़े, वॉशिंग मशीन थे नहीं, सब लोग अपने अपने कपड़े धोते थे और वो ज़्यादा पैम्पर्ड है, वो उनका कल पता परसों पता चला, तो वही रीज़न था कपड़े धोने का। और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया और ना ही ये चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया है। अपने में इतनी इंसानियत होनी चाहिए सब में कि किसी के लिए स्टैंड एटलीस्ट हेल्प कर सके। लास्ट वीक जो आप जब आप नॉमिनेट हुए उसके बाद में आप कहीं ना कहीं कम दिखी TV पे, ये हम बोल सकते हैं ये भी एक रीजन हो सकता है, या कम दिखाया गया आपको? कम दिखाया गया उसका तो मुझे नहीं मालूम कितना दिखाया गया। कल मैं बाहर निकली हूँ तो मैंने अब तक पास्ट के एपिसोड्स देखे नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम क्या दिखाया गया। बट मैं कम दिख रही थी क्योंकि मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि जैसे सना है
बाकी लोगों के जैसे खानजादी है, वो लोग नॉमिनेशन होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं क्योंकि उनको दिखाना होता है ऑडियंस को कि हम में कुछ आ गया, फायर आ गया। मेरा ऐसा नहीं रहा है, आप लोगों ने जो भी नोटिस किया वो 40 दिन तक मेरा ग्राफ एक जैसा ही रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं फ्लिप फ्लॉप हुई, मेरा दिमाग सटका, मैं कुछ भी कर रही हूँ, किसी को गाली दे रही हूँ, किसी से झगड़ा कर रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बहुत डिग्निफाइड और ग्रेसफुली रही हूँ 40 दिन एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। जगन्नाथ जी, आपके बाहर आने से इनको जी को नुकसान होगा आगे चल के? नहीं, कहीं ना कहीं आप उनके बैकबोन थी, दोनों एक साथ में सपोर्ट करते थे। नहीं, वो अपनी गेम खेल रहे हैं एंड आई एम श्योर शी इज अ वेरी स्ट्रांग आल्सो एंड शी विल डू गुड। जिगना जी, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि जब भी आप अपने स्टैंड लेने की कोशिश कर रही थी और रिंकू जी वहां पे आपको रोक रही थी, इस बारे में क्या है कहना? क्योंकि कहीं ना कहीं रिंकू जी की वजह से आपकी गेम खराब हुई है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने ये ध्यान से सोचा नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो स्टैंड मेरे को नहीं खेलने दे रही थी। कोई किसी को रोक नहीं सकता है, तो शायद शी नोज मी पर्सनली, काफ़ी 40 दिन से साथ रहे, एक बेड शेयर किया है, तो उनको मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं क्या बोल सकती हूँ, क्या नहीं बोलना चाहती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि उनकी वजह से मेरी गेम इफेक्ट हुई। जिगना जी, ये जानना चाहेंगे, ये जो अंडरगारमेंट्स की जब बात हुई थी तभी आप बहुत ज़्यादा रो रही थी और आपने कहा कि आपको इस घर से जाना है, सो उस टाइम पे यू नो ऑडियंस कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि आपका जो पास था, आप जिस जहाँ पर थी इतने टाइम तक और जो लोगों के बीच में थी, वो तो इससे ये घर से ज़्यादा वर्स लोग थे अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप इन्हें बेयर कर सकती थी? मुझे जाना ये हिसाब से मैंने वो रिएक्ट किया था कि मैं किसी बैक स्टेबर्स लोग के साथ नहीं रह सकती, ये मेरा पर्सनल, मेरी पर्सनल पर्सनालिटी है, चाहे मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, बिग बॉस हो या कहीं पे भी हो। तो वो एक आपके साथ अगर कोई कुछ ऐसा करता है तो शायद सबको एक पॉइंट के लिए वो खटकता है, तो मैं जताना नहीं चाहती थी क्योंकि उस दिन रात को नील, ऐश्वर्या सब ने मुझे क्या कहा कि जिगना आपको ये स्टैंड लेना पड़ेगा, ये गलत किया है अरुण ने। मैंने तब भी बोला नहीं, मुझे इसका कुछ मुद्दा नहीं उठाना है। फिर नेक्स्ट डे जब तहलका जी आए तब मैंने ग्रेस पीरियड का रिपोर्ट कार्ड मेरा उनको बताया कि मैंने ये ग्रेस पीरियड में किया है, बाकी लोगों ने क्या किया है ग्रेस पीरियड में आप देख लो। तो मुझे नहीं, ऐसा कोई भी चीज़ होती है जहाँ आपका दिल किसी ने दुखाया हो और आपने सेल्फलेसली वो काम किया हो और हर्ट होता है, तो शायद मेरा वो ही रिएक्शन था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अरुण जी ने आपकी पीठ में छुरा भोंका है? ऑब्वियसली, और उन्होंने बोला भी कि टिक फॉर टेट था, जस्ट बिकॉज मैंने उसको नॉमिनेट किया उसने मुझे नॉमिनेट किया, उसने ये बोला है, खुद आए थे मेरे पास ये बोलने। और उन्होंने कल भी मुझे जब मैं निकल रही थी सॉरी बोला, वो रोए भी थे वो चीज को लेके, बट डैमेज ऑलरेडी डन हो गया था, सो आई कैन नॉट से। विक्की और सना साथ में बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं जो आपकी गेम है हाउस ड्यूटीज में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई थी, कहीं ना कहीं जो आपका गेम वो निखर के सामने नहीं आ पाया या फिर उतना दिख नहीं पाया जितना आप अपने साइड से एफर्ट्स लगा रही थी घर के अंदर, हो सकता है क्योंकि हाउस ड्यूटीज में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्वमेंट थी आपकी, आपके जो मुद्दे भी होते थे बहुत हद तक किचन के ही वही ड्यूटी में रहती थी, वही ड्यूटी रहा करती थी, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे किचन, बिग बॉस 17 का थीम मुझे लगता है किचन के इर्द गिर्द ही है, ज्यादा कुछ अब तक टास्क हुए नहीं है, जो भी हुआ है राशन को लेके हुआ है, जो भी हमको अभी लिमिटेशंस बोलो वो किचन से रिलेटेड ही हुई है ज्यादातर मुद्दे, कॉफी चोरी करने से लेके अंडे चोरी करने से लेके दही चोरी करने के लिए, तो सब कुछ खाने के इर्द गिर्द ही चल रहा था, तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे हो तो आप वही पॉइंट रेज करोगे। आपके साथ में जो हाउसमेट्स हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं उन चीजों का डिनायल किया जिसके बाद वो ज्यादा लाइमलाइट में आ गए और आप उन सारी चीजों को बाकायदे फॉलो करती रही, तो वो चीज कहीं ना कहीं लोगों ने नोटिस नहीं की। वो लोगों का प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, लोगों को ज्यादा पता है उनको कौन दिखना चाहिए और कौन नहीं दिखना चाहिए, शायद लोगों को ड्रामा करते हुए लोग ज्यादा पसंद है, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी डिग्निटी कहीं पे छोड़ी नहीं और मैंने मेरे से जितना मैं डिग्निफाइड और ग्रेसफुली मेरी एज, मेरे एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, विजडम सबको साथ में लेके चली हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। जिगना जी, इसी के साथ साथ ड्रामा के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपने एक कॉन्वर्जेशन में रिंकू जी के साथ एक कॉन्वर्जेशन आपकी हो रही थी जहाँ पर आपने बोला था कि मैं फुटेज के लिए नंगा नाच नहीं कर सकती हूँ, तो सो डू यू थिंक कि जो बहुत ज्यादा यू नो दिक्कत आ रहे थे, जो बहुत ज्यादा फाइट में इन्वॉल्व हो रहे थे, क्या वो वैसे कर रहे थे? ऑडियंस को ज्यादा पता होना चाहिए,
मेरा बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने किसी कंटेस्टेंट का नाम नहीं लिया था शायद, नहीं आपने नाम नहीं लिया था, मेरा बोला था। थिंग इज कि आप जो जिस तरह से फाइट कर रहे हैं बहुत ज्यादा जो दिख रहे हैं लाउड होकर, तो कहीं ना कहीं वो गेम की स्ट्रेटेजी है। मैं वैसी खुद पर्सनालिटी हूँ नहीं, बिग बॉस भी काफी टाइम बोलते आ रहे थे कि लोग बहुत पिछली सीजन देख दाग के आए हैं और वो लोग वही करना चाह रहे हैं, बट ये वैसा सीजन नहीं है, जो भी करना है डंके की चोट पे करो। जो सबसे पहला सवाल किया था हम लोगों ने आपके लिए, जो जो पहले के मुद्दे हैं आपको, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में जो आपसे बातचीत हुई थी और उस वक्त के बाद काफी आपको एज ए स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट देखा गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं बार बार जो पास्ट के जो मुद्दे हैं उसको कुरेदने का ऐसा लोगों ने बोला कि बार बार उन्हीं सारी चीजों को रिपीटेडली कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा भी एंगल देखने को मिला है कि लोगों का मानना था कि कहीं ना कहीं सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है आपके तरफ से उन मुद्दों को बार बार सामने ला के। क्या कुछ क्या कहना आपको इस पे? मुझे ऐसा नहीं लगता है, 12 साल में मैंने कभी किसी से सिंपैथी ली ही नहीं है, तो ये प्लेटफॉर्म पे आके मुझे सिंपैथी की जरूरत नहीं थी। अच्छा जिग्ना जी, बिग बॉस ने आपकी इमेज क्लियर करने के लिए काफी व्हाइट वॉश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, क्या आप उसका प्रॉपर उपयोग ले पाए हो? वो आप ऑडियंस को पूछना चाहिए। विकी और सना साथ में बैठे हुए थे जहां दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, और ये चीज हाईलाइट की सलमान खान ने भी, और एक जगह हमने देखा था कि आप विकी को समझा रहे थे आप और रिंकू जी कि अंकिता को कैसे पैम्पर करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, बट आपको लगता है कि विकी वैसे ही है जैसा हम सब देख पा रहे हैं, और सना और उनके बीच में क्या चल रहा है, आपको क्या लगता है कि आप करीब से देखकर आए हो? सना और उनके बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है नॉमिनेशन को लेके, बाकी कुछ है नहीं। सना बहुत इनसिक्योर है, उनको नॉमिनेशन के लिए डर है, उनको फियर है, इनसिक्योरिटी है, और विकी भैया उसको लगता है बचा सकते हैं उसको चीज को लेके, तो वो कार्ड प्ले कर रही है। वो अंकिता के साथ कुछ गलत कर रहे हैं आपको लगता है? मुझे नहीं लगता गलत, इन द सेंस हर एक वाइफ को लगता है कि हस्बैंड अगर साथ में आया है तो इमोशनल उसको सपोर्ट करे, उसके साथ बैठे करे, और विकी भैया बाकी मुद्दों में और बाकी लोगों में इतने उलझे हुए रहते हैं तो उनको अंकिता जी के लिए टाइम नहीं मिलता है, वही शायद अंकिता जी की कमी। जो दोनों ने हाथ पकड़ा था उस पर एक्चुअली हम लोग भी शॉक थे, हमको किसी को नहीं मानता क्योंकि उसके आजू बाजू कोई था नहीं वो टाइम पे, शायद में अंदर के रूम में, तो हम लोग भी एक दूसरे को पूछ रहे थे कि किसने क्या किया, और वो ही 10 मिनट के बाद में बाहर निकल गई थी, तो मुझे सच में जेन्युइनली कुछ ज्यादा पता है। जी मैम, टॉप 5 में किसे देखते हैं? टॉप 5 में किसे देखते हैं? स्ट्रॉन्गर कंटेस्टेंट कौन लगता है आपको अब तक के, जो आप घर में जो रह के आई हो उनसे? दिस इज जस्ट 7th वीक हैज स्टार्टेड, तो अभी टॉप 5 का बोलना बहुत मुश्किल है, बट हां मुनव्वर आई think he is a right candidate to lift the trophy. Okay. Thank you.